हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हमारे पास कोई भी कर्व दे रखा है वो कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव है, इसमें बहुत स्टूडेंट्स को डाउट होता है और एक्चुअली इसका ग्राफ कैसे होता है इसके ऊपर भी स्टूडेंट्स को बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि कैसे हम पता करेंगे ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और इस शॉर्ट ट्रिक से आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं 30 सेकंड के अंदर। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा, पहले सब आपको बताना चाहता हूँ कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता क्या है। अगर कोई भी कर्व है, मान लीजिए उस कर्व का जो ग्राफ आ रहा है वो इस टाइप का आ रहा है, तो यार ये हमारे पास कॉन्वेक्स होता है। अगर कोई भी कर्व हमारे पास ऐसा दे रखा और उसका ग्राफ हमारे पास लाइक नीचे की तरफ आ रहा है, लाइक ऐसा आ रहा है, राइट, तो यार वो हमारे पास क्या होता है, कॉनकेव होता है। क्लियर है? सुन बात करेंगे यहाँ पे, जैसे मैं इसकी बात करूँ तो हम जानते हैं ये पैराबोला का पार्ट, और ये पैराबोला हमारे पास कैसा होता है। सुन हम बात करें एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ हमारे पास इस टाइप का होता है। अगर इसका हम डबल डेरिवेटिव निकालें तो हम जानते हैं इसका डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 2 आएगी, मतलब थ्रू आउट इसके डेरिवेटिव की वैल्यू, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। और अगर स्टूडेंट इसकी बात करें तो हम जानते हैं इसका जो ग्राफ है ये हमारे पास रूट एक्स टाइप का हो रहा है। अगर इसका हम डबल डेरिवेटिव निकालें, देखो एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 1/2√x, और जब इसका एक और बार डेरिवेटिव निकालेंगे d2y/dx2, तो सुनिए आएगा हमारे पास x की पावर उधर मतलब माइनस है तो माइनस का 1/4, x की पावर माइनस का 3/2 आएगा। हम जानते हैं कोई भी वैल्यू आप उठा के रख दीजिए ये हमेशा थ्रू आउट नेगेटिव रहेगा, तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, कॉनकेव होता है। इसमें एक और एग्जांपल देना चाहता हूं मैं आपके सामने, और साइन एक्स का एग्जांपल हम ग्राफ से इजीली समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये हमारे पास साइन है, साइन की जो सीरीज होती है, साइन एक्स की सीरीज हमारे पास ये होती है, इसका हमारे पास ग्राफ ये होता है। हम जानते हैं 0 से π तक ये हमारे पास क्या होता है, सुन कॉनकेव होता है, और यहां से यहां तक हमारे पास ये क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एफ को मैंने साइन एक्स लिया और उसका मैंने डबल डेरिवेटिव निकालता हूं, राइट, एक बार मैंने निकाला तो ये आएगा हमारे पास कॉस एक्स, और फिर इसका मैंने एक और बार डेरिवेटिव निकाला तो हम जानते हैं यार ये आएगा हमारे पास माइनस का साइन एक्स। आप जानते हो 0 से π तक कोई भी वैल्यू उठा के रखो ये हमेशा नेगेटिव देगा, क्योंकि अल्टीमेटली फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पर ये पॉजिटिव और आगे माइनस है इसलिए नेगेटिव होगा, मतलब ये हमारे पास कॉनकेव होगा। एंड पाई से 2π मतलब थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी वैल्यू हम रखते हैं साइन के अंदर, तो यार वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जो ग्राफ होता है ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्वेक्स ग्राफ होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, कॉनकेव होता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि जब भी हमारे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात करी जाती है तो हम उसका डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं एंड देन पॉइंट रख के देखते हैं उस इंटरवल में हमारे पास वो क्या होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास कॉन्वेक्स है, अगर लेस देन 0 है तो वो हमारे पास क्या होता है, कॉनकेव होता है। अब बात करेंगे, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा और आपको ये पता लगाना कि ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो हम जानते हैं यार ये एफ हमारे पास दे रखा है x³ + 2x², जब इसका हम एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो df/dx, आप देख रहे हो यार ये हमारे पास आएगा 3x² + 4x, जब इसका एक और बार करेंगे d2f/dx² तो हम जानते हैं यार ये आएगा 6x + 4। आप जानते हो इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू उठा के आप रख दीजिए इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। क्लियर है? ये ग्राफ हमारे पास क्या होगा, मतलब ये फंक्शन जो होगा, सॉरी ये जो फंक्शन होगा ये हमारे पास इस इंटरवल में क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। क्लियर है? एक और मैं आपको बताना चाहता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जब हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं ये हमारे पास एफ दे रखा है x² - x⁴, हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो भैया ये आएगा हमारे पास 2x - 4x³, और जब इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 2 - 12x², और हम जानते हैं कोई भी वैल्यू आप इस इंटरवल में रख दीजिए हमेशा लेस देन 0 आएगा, तो हम जानते हैं कि ये अगर लेस देन 0 आ रहा है इसका डबल डेरिवेटिव, इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, कॉनकेव हो जाएगा। राइट, जब भी डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा होता है तो कॉनकेव होता है, राइट, तो ये हमारे पास ये होगा। सो स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, और ये जो क्वेश्चन है आपको दे रखा है x⁴ - 5x² + 1, और आपको इस इंटरवल में पता लगाना है कि ये कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, तो सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड लगे कमेंट करके बताना है, और कैसे लग रहे मेरी वीडियोस आप ये भी कमेंट करके बताइए। इसमें लास्ट में मेरी शॉर्ट ट्रिक की पूरी मैंने प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, प्लस आप IIT-JAM, CSIR-NET और गेट एग्जाम की तैयारी करें तो वो भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें मेरा नया चैनल है, इसको आप यहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और टाइम बताना है कितना आपको सॉल्व करने में लगा। धन्यवाद।